का बड़ी खबर आ रही है, मशहूर शायर मुनव्वर राणा अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से वो बीमार थे और उनके निधन की खबर इस वक्त आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार उनकी शायरियां, उनकी कवि की क्षमता हमेशा सराही गई। लंबे समय से बीमारी के चलते बताया गया कार्डियक अरेस्ट उन्हें हुआ, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में उनका जन्म हुआ था 1952 में, लेकिन अपना अधिकांश जीवन काल जो है उन्होंने कोलकाता पश्चिम बंगाल में बिताया। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। कई दिनों से अस्पताल में वो भर्ती थे, लखनऊ के पीजीआई में भर्ती थे मुनव्वर राणा। फौजिया राणा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है, उनकी बेटी। और ये ऐसा लम्हा है जो कई यादों को ताजा कर ले जाता है, और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। इस वक्त जिस दौर से आप गुजर रहे होंगे वो हम समझ सकते हैं। जी नहीं रहे मेरे पापा। देखिए, हौसला बनाए रखिए। जो शायरी है, जो उनके शब्द हैं, वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। आज भी लोग उनको उनकी शायरी के अंदाज से, उनके अंदाज से याद कर रहे हैं। मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकती। ये कितने बजे हुआ, आप ये जानकारी दे सकती हैं? आधा घंटा हुआ है। आखिरी वक्त पे क्या कहा उन्होंने आपसे, कुछ ऐसी बात जो आप आज यहाँ? नहीं, वो परसों तक तो ठीक थे, परसों वो खाना भी खिलाया था, बात भी कर रहे थे हमसे, बोले कुछ लोगों को कॉल करने के लिए। साहब को, भाई को मेरे कॉल किया, उन्होंने बताया कुछ कुछ। कल से ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा थी, तो कल उनको मतलब फूड इनटेक उनका नहीं था, तो उन्होंने नली वगैरह डाल दी। लेकिन कल 2:45 उनको पहला कार्डियक अरेस्ट आया, और आज 1:06 आया, और 1 अभी आया। काफी लंबे समय से वो बीमार थे, पीजीआई में वो भर्ती थे, पीजीडी पेशेंट थे, करीब 2 साल से डायलिसिस पे थे। वाकई ये ऐसा लम्हा है जिसमें आप बहुत कुछ नहीं कह पाएंगी। फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया है, और पीजीआई में वो भर्ती थे, लंबे वक्त से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 2 अटैक की जानकारी उनकी बेटी दे रही है। दिल का दौरा पड़ा और उसकी वजह से ये दुखद खबर सामने आई है। वो अपनी अलग शैली के लिए, अपनी शायरी के लिए वो जाने जाते रहे हैं। तबरेज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके बेटे। और तबरेज, ये ऐसा वक्त है जिसमें कुछ बोल पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके चाहने वाले इस वक्त सुनना चाहेंगे कि आखिर कैसे ये सब हो गया। तबीयत तो काफी अच्छे से खराब थी, 2 साल से ज्यादा हो गया डायलिसिस चल रहा था, दवाई सभी, लेकिन इधर 12 दिन से लंग्स में भी इंफेक्शन था, बीपी बहुत लो हो गया, फिर उस वजह से कार्डियक अरेस्ट 1 ही दिन में 2 बार हो गया। एक ही दिन में 2 बार कार्डियक अरेस्ट आप बता रहे हैं हो गया, और काफी समय से वो बीमार भी थे। आखिरी वक्त में कुछ कहा उन्होंने? नहीं, अगर ये मालूम होता कि आखिरी वक्त है तो आप लोग तो साथ ही मर गए होते, इसका फिल्म नहीं था कि आखिरी वक्त है। मैं तो दिल्ली से लौट रहा हूँ, रास्ते में हूँ, एम्स में गया था खास करने के लिए, वहां ट्रांसफर करा के लेते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और हौसला बनाए रखिए, पूरा देश आज उन्हें जरूर याद कर रहा है।